नमस्कार आदाब, न्यूज़लिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कानपुर में हुई हिंसा की। हमने देखा कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद पुलिस ने बहुत लोगों को अरेस्ट किया, बुक किया, FIR लॉन्च की। अब हम देखते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया ने किसी गैंगस्टर या किसी बिजनेसमैन को सारा ब्लेम उस पर पिन किया है, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक तरह का फोकस शिफ्टिंग है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं सुभाषिनी अली इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। तो मेरा आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि जो अभी जिसको ब्लेम किया जा रहा है वो एक बात है, लेकिन फोकस इस पे होना चाहिए कि गवर्नमेंट का इस पे क्या रिएक्शन रहा है, प्रोटेस्ट को उन्होंने किस तरह से टैकल किया है, लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, लोगों के घर को डिमोलिश किया गया है, क्या ये एक आम बात है, ऐसा होना चाहिए, मतलब सरकार क्या ये करती है? देखिए, फोकस तो इस बात पर होनी चाहिए कि ये सब हुआ क्यों, और अगर हम वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें तो हमें केंद्र सरकार की सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी दिखाई देती है। क्योंकि आज से नहीं, पिछले 2 साल से लगातार जिस तरह की बेहूदी बातें, जिस तरह की धमकियां महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को के साथ बलात्कार करेंगे, मुस्लिम पुरुषों का कत्लेआम करेंगे, मुस्लिम लड़कियों की नीलामी करेंगे, ये जो लगातार पिछले 2 साल से चल रहा है और इसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर बहुत हल्ला मचता है, किसी के ऊपर कुछ कार्रवाई होती है और अगर वो जेल जाते हैं, 1-2 लोग गए हैं तो 2 दिन के बाद उनको छोड़ दिया जाता है और उनकी बड़ी वाहवाही होती है, उनको बहुत बड़ा हीरो समझ करके उनका स्वागत किया जाता है। ये 2 साल नहीं, अगर हम देखें तो ये जो सुबोध सिंह जो इंस्पेक्टर है, जब वो मारे गए तो उनको मारने वालों तक को ऐसा हुआ, जब लिंचिंग हुई तो लिंचिंग करने वालों को भी जेल से छूटने पर उनका स्वागत किया गया। तो आखिर ये सब जो हो रहा है इसका असर भी तो लोगों पर पड़ता है। अगर एक समुदाय के लोग और सरकार के आलोचना करने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग, अगर वो सब ये देखते हैं कि अगर आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो आप चाहे किसी को गाली दो, चाहे किसी को लिंच करो, चाहे किसी को धमकी दो, लेकिन आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, तो फिर कभी ना कभी जिसको कहते हैं सब्र का घड़ा भी टूटने की संभावना आ जाती है। और मुझे लगता है कि वो हुआ है, और ठीक है हम कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हुआ, लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार तो सरकार ही है। और इस मामले को अगर हम देखें तो वो जो महिला है, उनकी प्रवक्ता भाजपा की, उसका तो बयान TV प्रोग्राम में काफ़ी दिन पहले आया था और उसका समर्थन का बयान भी आया था, और सरकार ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि सरकार के लोग तो उसका समर्थन कर रहे थे, भाजपा के बड़े नेता उसकी वाहवाही कर रहे थे और कह रहे थे हम आपके साथ हैं। तो ये भी तो लोग देख रहे थे कि एक हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, हमारे धर्म के ख़िलाफ़ इतनी भद्दी बात कही गई और इस पर भी कुछ नहीं। और फिर जब कुछ अरब देशों की सरकारों ने इस पर आपत्ति की और सरकार से कहा कि हमको ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, तब लोगों ने देखा कि सरकार बिल्कुल पलट गई, एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, और वो जो महिला है उसको पार्टी से निलंबित कर दिया, वो जो पुरुष है उसको पार्टी से निकाल दिया, और मतलब एक तरह से माफ़ी मांगी कि हाँ हम तो ऐसी बातों को पसंद नहीं करते हैं। तो लोगों को लगा कि ये हो क्या रहा है, जब आपके देश के नागरिक एक बात कहते हैं तो आप बिल्कुल उसको अनसुनी कर देते हो, और दूसरे देश के लोग अगर किसी बात पर, उसी बात पर आपत्ति करते हैं तो आप बिल्कुल उनके सामने नतमस्तक हो जाते हो। तो इससे एक तरह से आग में घी का काम हुआ और उसी से ये जो गुस्सा है हमको लगता है वो फूट के निकला है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कानपुर में जो कुछ हुआ उसको देखें और बाकी जगहों क्या हुआ, उनमें दोनों में बहुत अंतर है। कानपुर में एक आदमी ने ये कॉल दी कि 3 तारीख को मुसलमान अपनी दुकानें बंद रखेंगे, और 3 तारीख को कानपुर ही में राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को आना था, तो फोर्स की बहुत कमी होने वाली थी। तो उस आदमी को प्रशासन ने बुलाया और उससे लिख के ले लिया कि मैं अपना आवाहन वापस लेता हूँ, और प्रशासन को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, बंद नहीं होगा, और उस आदमी ने अपने आवाहन को सार्वजनिक रूप से वापस नहीं लिया। और वो लेता भी तो क्या होता भाई, वो कोई नेता तो था नहीं, उसका आवाहन ऐसा था कि उसने लोगों के दिल को छुआ, वो आवाहन कर रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं था, और लोगों ने एक मन बना लिया कि हाँ हमको कुछ करना चाहिए। तो वो जानता था कि अगर वो आवाहन वापस लेगा तो गाली खाएगा, और
उसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा, तो वो चुपचाप बैठ गया। यहाँ पर प्रशासन की बहुत बड़ी गलती दिखाई देती है कि उनको समझ लेना चाहिए था कि इस आवाहन वापसी का कोई मतलब नहीं होगा, और जो उनको फोर्स लगानी चाहिए थी, ख़ास तौर से जो दो तीन बहुत ही संवेदनशील चौराहे हैं या तिराहे हैं, तो वहाँ फोर्स बिल्कुल नहीं थी। इसके बावजूद मैं कहूँगी कि कानपुर में कोई एक घटना नहीं हुई पूरे शहर में, बहुत सारी मिली जुली आबादियाँ हैं, बहुत सारे मिले जुले बाज़ार हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो एक संवेदनशील जगह है, वहाँ ये हो सकता है कि जब ये लड़के मस्जिद से निकले तो उनको लगा कि जिनके साथ उनका वाद विवाद चलता रहा है कई सालों से, आज वहाँ पर पुलिस भी नहीं है, तो आज वो भी वहाँ जा कर के कुछ भी कर सकते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। लोग कहते हैं वो वहाँ गए, उन्होंने कुछ दुकान एक बंद करने की कोशिश की, लेकिन और कहीं पूरे कानपुर में कोई दुकान बंद करने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन उस जगह पर कहा सुनी हुई और पत्थर भी चले, और पत्थर दोनों तरफ से चले। अब किसने पहला पत्थर फेंका पता नहीं, लेकिन ये बात सही है कि जो घायल हुए बुरी तरह से नहीं, लेकिन जिनको चोटें आई वो मजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक समाज के ही थे, और वहाँ भीड़ में ज़्यादा लोग भी अल्पसंख्यक के थे, ये पत्थर चला। लेकिन जो अच्छी बात हुई कि वहाँ पुलिस तुरंत पहुँची और पुलिस कमिश्नर स्वयं पहुँचे, और 15-20 मिनट में पूरा मामला बिल्कुल शांत हो गया। ये बहुत सही हुआ, गोली भी नहीं चली, कुछ ऐसी वारदात भी नहीं हुई, शांत हो गया। इसका कहीं कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई पूरे शहर में। फिर उसके बाद तो गिरफ्तारियां हुई हैं, और वो जो कॉल देने वाला था उसको मास्टरमाइंड घोषित किया गया कि इसने कोई बहुत बड़ी साजिश रची है वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर पूरा वो मुकदमा बनाया गया है। लेकिन जो हमें बहुत अजीब बात लगती है, पहली बात तो ये कि अगर पत्थर दोनों तरफ से चले, मान लीजिए ज़्यादा एक तरफ से चले, एक तरफ ज़्यादा गिरफ्तारी हुई, लेकिन अगर दोनों तरफ से चले तो कुछ तो दूसरी तरफ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और दूसरा, जो ये एक बिल्डिंग तोड़ी गई है दूसरे दिन, तो वो बिल्डिंग उस आदमी की नहीं है जिसको वो मास्टरमाइंड कह रहे हैं। उसकी होती भी तो हम समझते हैं कि बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कोर्ट के आदेश के नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन एक बिल्कुल अलग आदमी की बिल्डिंग तोड़ दी गई। और पहले ये कहा गया कि ये उसका रिश्तेदार है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता, रिश्तेदार है तो क्या हुआ, वो कहीं भी इसमें लिप्त नहीं है, तो उसकी क्यों तोड़ी, उसको कोई नोटिस नहीं है। कह रहे हैं उसकी बिल्डिंग इलीगल थी, गैर कानूनी थी, लेकिन कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो हुआ है, और फिर ये 10 तारीख को इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में घटनाक्रम भी वैसा था। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 3 तारीख की घटना के बाद बाकी जगहों पर ज़्यादा सतर्कता क्यों नहीं बरती गई, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया में अलग अलग लोग कह रहे थे हम भी बंद करेंगे। जो मैंने देखा है, बताया गया है, बंद की कॉल दी थी, 10 तारीख को बंद होगा। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही थी तो फिर ज़्यादा सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? और अगर ज़्यादा सतर्कता होती तो, अगर मान लीजिए कुछ लोग निकलते मस्जिद से, नारे भी लगाते, तो आप उसको डील कर सकते थे, उसको रोक सकते थे, और इतना मामला फिर बढ़ता नहीं। अब इलाहाबाद में भी काफ़ी लोग गिरफ़्तार हैं, एक वो जो जावेद हैं उनका घर भी तोड़ दिया गया है बिना किसी, वो नोटिस भी सुबह ही लगा चस्पा की गई, और जो पहले नोटिसों की बात हो रही वो कभी मिली नहीं। तो लगता है कि ये बिल्कुल जो है एक कानून को ताक पर रख करके काम किया गया है। और सहारनपुर में तो पुलिस ने थाने में जिस तरह से लड़कों को पीटा है, बेरहमी से पीटा, उनके हाथ पैर सूज गए, हाथ पैर टूट गए, और एक भाजपा का विधायक कह रहा है ये तो रिटर्न गिफ्ट है, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये क्या आप संदेश दे रहे हैं जनता को कि आपको कानून, आपको कानूनी प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है? आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, और आप पुलिस से भी कह रहे हैं कि जितनी तुम बदले की भावना से काम करोगे उतने ही हम तुमको बधाई देंगे। तो ये तो बहुत गलत है, और 2 लड़कों के घरों को भी तोड़ा गया है वहाँ सहारनपुर में, तो ये तो गलत है। ये तो रूल ऑफ लॉ अगर ख़त्म हो जाएगा तो अभी तो लोगों के पास केवल कोर्ट और अदालत है जहाँ से उनको न्याय की कुछ उम्मीद हो सकती है। अगर उस उम्मीद को भी सरकार छीन लेगी तो आखिर लोगों के पास बचेगा क्या?
और ये जो योगी सरकार है इसका तो यही रवैया रहा है। शुरू में ही इन्होंने एनकाउंटर राज, ठोको राज चालू किया। मेरे ख्याल से 54 लोग मरे उसमें, 37% मुस्लिम थे, बाकी दलित और ओबीसी थे, गरीब लोग थे। उसके बाद एनआरसी और सीए के मामले को लेकर के तमाम लोगों से वसूलियां हुई। फिर यही जो जस्टिस माथुर हैं उन्होंने उसको रोका और तमाम लोगों की फ़ोटोज़ लगाई गई कि इनसे भी वसूली की जाएगी, फिर वो नहीं हो पाया। तो वो जब से आए हैं वो एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, वो बहुत लंबा चलता है और जो दंड मिलना चाहिए तुरंत मिलना चाहिए, मैं फौरन दंड दूंगा। लेकिन फौरन दंड देने का मतलब है कि न्याय नहीं होगा, ये न्याय के खिलाफ है। तो आप ये कह रहे हैं, और मुद्दा ये है कि जब तीन जून को कानपुर में हिंसा होती है, वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, फिर हमने देखा प्रयागराज में, अलाहाबाद में, सहारनपुर में, और यूपी में ही नहीं देश भर में प्रोटेस्ट उठे थे। लेकिन फिर भी जितनी जगह प्रोटेस्ट हुए बहुत कम जगहों पर वारदात हुई है, ये भी मानना पड़ेगा। देखिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि प्रोटेस्ट की जगह भी तो नहीं छोड़ रही है बीजेपी की सरकार। आपको अगर प्रोटेस्ट करना है कहते हैं आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन कहाँ करें? कोई जगह है जहाँ प्रोटेस्ट अलाउ कर रहे हैं? अगर लोग कहें कि किसी ने ऐसी बात कही है, मुझे बुरा लगा है, हमको बुरा लगा है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे आप? क्या प्रोटेस्ट की परमिशन देंगे, अनुमति देंगे? जब आप नहीं देंगे तो इस तरह की विस्फोटक स्थिति तो पैदा होगी अपने आप। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो मतलब उससे फ़ायदा तो उन्हीं लोगों को हुआ है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जिनकी राजनीति उस पर चलती है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम लोग, चाहे वो बहुसंख्यक हों चाहे अल्पसंख्यक हों, उनको इकट्ठा आ करके मतलब प्रजातंत्र को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए, और जो जनता के मुद्दे हैं उनके बारे में आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा आना पड़ेगा, तभी जा कर के सरकार को घेरा जा सकता है। तो जो सरकार का अभी जो रवैया रहा है प्रोटेस्ट के प्रति या फिर प्रोटेस्टर्स के प्रति, ये जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स जिसको हम बोल सकते हैं जो है, उसके खिलाफ ऑपोजिशन का यहाँ पे क्या रोल है? देखिए ऑपोजिशन के बारे में तो जहाँ तक CPIM का सवाल है, हमने तो इसके खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया, हमारे लोग मतलब अभी तो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो कुछ बोलने में थोड़ा मतलब कन्नी काटते हैं जैसा हम कहते हैं, लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि कम से कम स्टेटमेंट्स आए हैं, सपा की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए हैं जो बहुत दिन से बंद हो गए थे। और हम तो यही चाहेंगे कि अभी बाय इलेक्शन भी होने वाले हैं, थोड़ा मामला भी शांत हो जाए, तो अगर सब लोग मिल करके इनके जो कानून तोड़क, ये जो बुलडोज़र है तो कानून तोड़ रहा है, ये कानून तोड़क उनका जो रवैया है और उनकी जो नीतियाँ हैं, इनके खिलाफ अगर मिलजुल करके हम लोग सब इकट्ठा होकर के अभियान चलाएं, प्रोटेस्ट करें, तो उसका ही कुछ असर पड़ेगा। इसी बात से मैं आज खत्म करना चाहूंगी, जो बहुत बहुत धन्यवाद। जो बुलडोजर है वो घर ही नहीं तोड़ रहा है, वो कानून तोड़ रहा है सरकार का। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया हमसे जुड़ने का।